फर्स्ट डे कॉलेज का पहला दिन। या सो माय फर्स्ट डे वाज कॉलेज की पहला दिन की बात करें तो कॉलेज का पहला दिन या फर्स्ट डे पहला दिन। अरे मेरा लाइक फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज लाइफ। फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज इट वाज प्रीटी ऑकवर्ड। लाइक आई जस्ट केम टू द हॉस्टल एंड वाज अप्रोच्ड बाय वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु इज वेरी बबली अनिरुद्ध। आई थिंक इट्स जस्ट गोना बी द हसल दैट्स ऑल आई रिमेंबर जस्ट गोइंग अराउंड फ्रॉम वन रूम टू द अदर। इट वाज हाउ डू यू से एनलाइटनिंग। ओके सो फर्स्ट डे तो जब रजिस्ट्रेशन चल रही थी तो काफ़ी कंफ्यूजन था भाई कहाँ आ गए और मेरा वो फ्लाइट कैंसिल हो गया तो मम्मी पापा तो आ नहीं पाए मेरे लिए उसी दिन। फिर नेक्स्ट फ्लाइट बुक कराया तो फिर मैं पहुँचा कॉलेज 5 बजे। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड व्हेन आई फर्स्ट सॉ माई रूम एंड आई वॉज ऑल्सो डिसअपॉइंटेड व्हेन आई सॉ द कैंपस। हाँ बहुत ही लोनली फील हुआ था उस दिन बिकॉज कोई भी ज़्यादा पहचान का था नहीं और मेरे को ऐसे बहुत बात करने का वगैरह आदत था तो मतलब बहुत लोनली फील हुआ था उस दिन। अम्यूज्ड एंड अ बिट डिसअपॉइंटेड क्योंकि मेरा कमरा शुरू होते ही खत्म हो गया था बट ठीक है। उस दिन रजिस्ट्रेशन होता था यूजुअल तो सभी बच्चे रजिस्ट्रेशन में बिजी रहते थे तो उतना हाव भाव या फिर किसी से बातचीत नहीं हो पाती थी। पेरेंट्स भी साथ में रहते तो थोड़ा बहुत हिचक था। The first day I was lost, like I did not know what was happening in the first day. मस्त था यार मुझे तो एकदम मस्त excited feel हो रहा था लेकिन फिर थोड़ा सा disappointed हुआ कि भाई दो ही building बनी हुई है लेकिन ठीक है मजा आई थी उस दिन। इतना अच्छा नहीं था मतलब इसलिए एक different culture के लोग थे काफी हिंदी किसी को आती नहीं थी तो ठीक ठीक था ज़्यादा अच्छा नहीं था। First day was a mix of emotions as I was excited for this new chapter and new beginning but along with that I was a bit tense because it was altogether new state and then like new city and I have to leave my parents for the first time so yeah it was a mixture. First day of college I just roamed around here and there catching all forms and it was like a clumsy mess and I just met with all the pod mates who are mostly Kannadigas so yeah it was kind of very new for me. बहुत सारे लोग जो इंग्लिश में बात कर रहे थे एंड मैंने कभी अपने लाइफ में इतना ज़्यादा इंग्लिश में बात नहीं किया था सो आई वॉज टू नर्वस। हॉस्टल कीज़ के लिए बहुत दिक्कत करना पड़ा था लग रहा था कि सिंगल रूम मिलेगा या डबल रूम मिलेगा क्योंकि डबल रूम का भी ऑप्शन अवेलेबल था। आई कैन से दैट इट वॉज रियली मेमोरेबल। पहले तो मैं एकेड ब्लॉक्स में गया था एंड देन देर रजिस्ट्रेशन के होने के बाद मैं एट इवनिंग आई केम टू माई हॉस्टल रूम्स एंड वहाँ पे पेरेंट्स के साथ में रहा था। द फर्स्ट डे आई रिमेंबर आई वाज वेरी नर्वस प्रोबेबली आई फियर ऑफ पीपल सो दैट्स व्हाई आई वाज स्कैर्ड दैट इफ आई विल बी एबल टू मेक फ्रेंड्स और नो। So at least for the first day, even before our first day, our counseling, I went during the open house and I was impressed about the infrastructure and the way all of the professors interacted with us. अच्छा था, काफी अच्छा था। मैं पापा के साथ आई, मुझे पहले 3 buildings दिखे बस, फिर मैं like मुझे पता था अंदर कुछ है पर फिर मैं अंदर गई पर मुझे कुछ मिला नहीं exactly। मैं ढूंढते गई इस guard को उस guard को पूछते गई फिर जाके मुझे हॉस्टल ब्लॉक्स और फिर कैट्स दिखे। मैं वाज लाइक नाइस। मेरे को रूम मिला, मैं रूम पे पहुंचा तो देखा मेरे रूम पे ताला लगा हुआ है। मुझे एक्चुअल में जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उससे तो काफ़ी अच्छा था कॉलेज बिकॉज जो मैंने देखा था ऑनलाइन तो उसमें बिल्कुल भी ग्रीनरी वगैरह नहीं थी तो आके जब देखा कि अभी थोड़ा सा तो अच्छा हुआ तो मुझे अच्छा लगा था। आवर कैब कैंसल लास्ट मोमेंट एंड इट वाज लाइक 4 AM इन द नाइट एंड 5 of us had like crammed ourselves with my suitcase and guitar into a tiny Alto cab so the tour right to the airport was already next level. मैं उतना lonely feel नहीं कर रहा था क्योंकि मैं सूर्यवंशी को जानता था, वो मेरे स्कूल का था तो साइड बाय साइड रूम था तो हम दोनों पूरा कैंपस घूमते थे। Like the buildings even though like we only have 8 blocks like I was getting lost everywhere. I was searching for people, I was searching for first year so that like I can talk to people and all. First year of the college it was the registration day and I was really really nervous as well as excited
at those mixed feelings? काफी अजीब मतलब लोनली टाइप का लगा मेरे को. लाइक मैं अपनी खिड़की से ऐसे खोल के देखा, बिल्कुल सन्नाटा सा था, तो काफी ऑकवर्ड सा था. मेरे को लगा कि सब पढ़ते रहते थे इधर भी, वैसा टाइप. The first day of college, it was all normal. I actually live near the campus, so it was kind of weird coming and living in the hostel, but yeah. And पहला दिन थोड़ा बहुत rough and tough था क्योंकि आपको चीजें adjust करनी पड़ती हैं. बाकी सब तो ठीक था. क्या चल रहा है? मतलब बिल्कुल मतलब घास वगैरह भी नहीं वहाँ पे, मिट्टी मिट्टी हर जगह थी, तो लग रहा था कि भाई गलत तो नहीं कर लिया आके यहाँ पे. That was the first time I was at a place where I was able to meet people from various areas. Like each person you talked to, each person you interacted with, it gave you a different feeling. It was like I had a big fight with that hostel office people regarding the room allotment. They were shifting me to the 4-seater room and I was allotted the 2-seater room. So I had a big fight and of course I won. All of it went in seat allotment, room allotment, in the lines, etc., etc. Then in the evening I went to the grounds or site location. And I wondered how I would manage without my parents. Also, I was looking forward to meet lots and lots of friends in the campus. Sami was my podmate, so we met in the afternoon and we were kind of together the whole day. And at dinner, I met Mansi. We actually knew each other from common exams before, but we were like really surprised that we ended up at the same place. कुछ टाइम बाद पता चला कि उस रूम में अभी तक किसी दीदी का सामान रखा हुआ है और दीदी रूम का ताला लगा के बाहर है कहीं. The first proper exposure to the world, how people say. My first day of college was actually a big mess. I'm not gonna lie. Like I, as you all know only English properly, and then I came here and struggled. People tried to talk to me, I couldn't talk back, and then I was like, shit, I made the biggest mistake of my life. That was my first day. So like that was the only thing I did, and then after I found a few people and we chatted the whole day, and then I went back to my room, and that's pretty much what I did. वही रजिस्ट्रेशन ही वो अच्छा था. लाइक मेरे पापा इमोशनल हो गए थे, मैं इमोशनल, और मैंने उनको फिर स्मगल किया अपने रूम के अंदर, मैट्रेस लेके ये वो. सच में मैं गर्ल्स हॉस्टल में ले गई उनको लिटरली. फ्यू डेज लेटर आई गेट अ कॉल फ्रॉम सम रैंडम डूड, एंड देन फास्ट फॉरवर्ड ही टेल्स मी लेटर हाउ ही गॉट माय नंबर वाज फ्रॉम द फॉर्म. इट वाज फ्रॉम अ फ्रीकिंग फॉर्म एंड आई वाज लाइक व्हाट. Are you kidding me? I thought he was just trying to be nice and helping me out, but and then the next day he's like, "Do you like walking?" उसके बाद उन्होंने बोला कि आप कुछ कर नहीं सकते, उनका वेट कर सकते हैं. और वो दीदी उस पूरे दिन नहीं आई, वो अगले दिन सुबह आई. So and then it was got really weird when Sami came from behind. She didn't know who I was talking to. That was like our first awkward thing together, and yeah, it was really fun. और फिर मैं first day mess गई, घूमी मानसी के साथ, और फिर भाई normal सो गई आके. Best moment would be first my birthday. You could say the DJ night, because I really like that was probably the best night, like the first DJ night. ऐसे ही कोई particular moment तो नहीं है, ऐसे बहुत सारे याद हैं. मतलब जैसे हम लोग room में कभी-कभी speaker पे गाना लगा के सब लोग नाचते थे, cricket खेलते थे, football खेलते थे. Not a single moment, but every moment with my friends is the best moment. सारे drama clubs के events बहुत मजा आया था. I would say it as going out with all the mechanical group once we went out for a movie, and I don't know, I guess the 3 days of Ilan, they were a blast, and the preparation leading up to Ilan, that was great. ये भी question था. Oh shit, मैं सोचा नहीं इसके बारे में. ये question नहीं था. It was birthday party, like a belated birthday party of friend of mine, Akrish. And we all went out, and we went in metro, and that was crazy. And we went to this amazing place called Tiger Lily, and we didn't even have a second look at the prices in the menu card and ordered whatever we could think of, because we were sure we were gonna rob this guy.
हर दिन का अपना अलग मज़ा था, हर दिन ही बेस्ट मोमेंट था। जैसे दोस्तों से बातें करना बहुत अच्छा था वहाँ पर। इट इज़ डिफिकल्ट टू नेम वन, बट द नाइट वॉक्स विद माई फ्रेंड्स व्हेन द रोड इज ऑल टू योरसेल्फ, सिंगिंग आउट लाउडली टू योर हार्ट्स कंटेंट एंड डूइंग एब्सोल्युटली क्रेजी थिंग्स, दोज आर अमंग्स द बेस्ट वंस। प्रेजेंटेशन वीक में हमारा एक कॉम्पिटिशन हुआ था क्रिप्टिक्स, जो कि बेसिकली एक ऑनलाइन ट्रेजर हंट था, उसमें मैं फर्स्ट आया था, तो वो काफ़ी अच्छा लगा था मेरे को, क्वेश्चंस वगैरह विनिंग उसमें। न्यू ईयर का दिवाली या न्यू ईयर का सेलिब्रेशन, दोनों में से टाई होगा, बट दिवाली आके जाएगा। एंड सेकेंड वुड बी जब मैं, तिशा, अनुष्का और प्रांजल, वी वर साइकिलिंग एट नाइट हॉस्टल के साइड वाले रोड पे। I can't narrow it down to one moment, but it would be all the hours I spent jamming with the guys from the music club, for sure. Best moment of college, actually, obviously the freshers' night. Best moment in the college so far. I had a lot of best moments, especially like when I was called by the director sir for the dinner. It was really fun, and especially when I won the medal in entirety. आपको आपके हिसाब से फ्रेंड्स मिल जाएं या फिर आप एडजस्ट कर लो तो बहुत अच्छा लगती हैं चीज़ें, बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, अगर ऐसे बात करें बहुत ज़्यादा अच्छे बेस्ट मोमेंट की, तो बर्थडे का मोमेंट बहुत अच्छा था। द बेस्ट मोमेंट वाज फ्रेशर्स डे। फर्स्ट ईयर का बेस्ट मोमेंट वाज फ्रेशर्स नाइट, टू बी ऑनेस्ट। अ लॉट ऑफ ग्रेट एक्सपीरियंस और अ लॉट ऑफ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी स्पेसिफिकली, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं था ट्राई मैंने। I'll say is photo walk, because I was with my friends, I was chilling, I was having good food, and it was a day out, so... I don't know if I can say this, but it's like hogging on to the vending machine. We had so much that day, we emptied that thing, and we didn't know we were doing anything wrong. And even Cryptex and IDP was really fun. We had like a lot of work, but and then we were all together and we were having a lot of fun. Working for Elan, and that too was especially during the events. I guess one of the best moments was when Varsha was named the Miss Fresher of the Freshers' Night, and maybe when I met my closest friends. Yeah, those are my best moments. Moments or moment? मेरा और मेरे दोस्त का बर्थडे साथ में मनाया गया था, क्योंकि उस टाइम घर जाना था सबको और छुट्टियां हो चुकी थी और सभी फ्री थे, तो हम लोग आउटिंग के लिए बाहर गए हुए थे, तो वो दिन बहुत अच्छा था। उस दिन हम लोगों ने बोटिंग की थी, बहुत बहुत मजा आया था उस दिन। Because that was the time I was making a lot of friends, so like dancing with all of them together, like having fun, was really amazing. फिर a fest, most importantly fest था अपना, फिर मिलन था, वैसे बहुत सारे याद है। Would be it was Agrej's birthday and we had ordered a poster for him. But it came like weeks after his birthday was over, so we had to come up with a new plan on how to deliver the poster to him in a surprise way. So Mansi very lamely pretends that she lost the comb in Agrej's room, so she had to go look for it. So yeah, that was fun. I had some crazy pasta and we were all going gaga over mushroom for some reason. We took so many pictures, and I remember it was me, Saumi and Nandita in bathroom, and we took so many pictures. I mean, it's just a regular bathroom picture, but when now I look back at it, I kind of get emotional, and I just miss them. Photo walk kade. I guess tum log se milna, wo jo raat ke 3-4 baje tak hum log jo masti kiye the, wo best awesome tha, matlab kuch bhi kar rahe the. मुझे तो जो याद है वो है कि साची और मैं एक बार गए थे एकदम फर्स्ट टाइम अम्ब्रेला लेके, वो भी पिज्जा लेने, और मुझे ऐसा लगता हम फर्स्ट फ्रेशर्स होंगे जिन्होंने एकदम ऐसे सेकेंड डे ऑफ कॉलेज पिज्जा ऑर्डर किया, और फिर वो बहुत सही मोमेंट था, लाइक हम दोनों खाने की वजह से इतनी बारिश में गए थे। लाइक बेस्ट तो काफ़ी थे, बट जब हम छिछोरे देखने गए थे, तो मतलब जो हम 4-5 बंदे बैठे थे, तो हम देख के तो चिल्ला रहे थे, तो सेक्सा पे चिल्लाए हम, तो आसपास की जो आंटी और थे जो सोफिस्टिकेटेड हुई, वो अलग ही दिन था, तो वो बेस्ट कह सकते हैं। कैसे हमारा
ग्रुप फॉर्म हुआ तो मैं दो लोगों से बात कर रहा था, साची और तिशा से. तो और फिर और हम लोग लाइक बात किए बहुत ज़्यादा. और उसके बाद ऐसा हुआ कि लाइक मेरे फ्रेंड्स और उन दोनों के फ्रेंड्स सब लोग साथ आने लगे. तो लाइक ये जो ग्रुप था जो पहले लाइक तीन लोगों का था, जो तीन लोग बात कर रहे थे एक दूसरे से, वो बड़ा होके लाइक अभी हमारा जो है लाइक हमारा जो कॉलेज ग्रुप है फ्रेंड्स का वो बन गया. I'd say time management for sure, because it's not that we have a lot of work, but we have a lot of different things that we want to do, and making time for every one of them and also chilling out. Anything can be done before the deadline, like anything. And also your friends are always there for you. A lesson that college taught me. It's just been a year. ये पता चला कि लोग बहुत फसाते हैं कॉलेज में. लाइक तुम्हें ये पता चल जाती है कि तुम किस टास्क के लिए कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो सकते हो और किस चीज़ के लिए तुम्हें हेल्प चाहिए. लाइक ये एकदम अच्छे से डिस्टिंक्ट होके आता है. लाइक पहले ऐसा श्योर नहीं होता था लाइक ठीक है मैं ट्राई करूँगा, मे बी हो जाए मेरे से, मे बी ना हो जाए. अब ऐसा नहीं होता. अब लाइक आई एम ऑलवेज प्रिटी श्योर कि मेरे से क्या अच्छे से होने वाला है क्या नहीं होने वाला. नॉट एवरी वन इज गुड. सच में पहले मैं बहुत ज़्यादा कैमरा कॉन्शियस थी. नाउ आई एम हियर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एंड नेवर कैन लुक बैक एट थिंग्स व्हाट आई हैव डन. आई जस्ट कैन टेक द एक्सपीरियंसेस फ्रॉम दैट एंड जस्ट मूव ऑन, बट आई कैन नॉट क्राई ऑन समथिंग व्हिच ऑलरेडी हैपेंड एंड कैन ट्राई टू चेंज दैट. इट्स डन सो डन. या बिफोर आई वाज नॉट वेरी ओपन टू पीपल, सो दैट आई वाज रियली स्लो एट मेकिंग फ्रेंड्स. So that's what, when I saw Varshita and Yash and these people, I actually got to know that, okay, you have to be more extrovert to actually get to know people and, you know, make sense. So yeah, that's how I learned that. That friendship can be empowering. That's the biggest lesson. Because I met Siddha, Yash and Ishita, Devs and also, yeah. Ye sab the questions. Oh my God, maine kya dekh ke aaya hai. But yeah, it helped me overcome my stage fear and it taught me that you need to come out of your comfort zone. And there are lots of interesting personalities that you can find in the campus. Expectations nahi rakhne ka kisi bhi vyakti se. Matlab zyada kaise zyada expectations build up hone lag jate hain. Aur fir baad mein fir hurt sa feeling ho jata hai ki wo expectations pe khada nahi hota. I used to think ki making friends is kind of difficult for me and getting comfortable is difficult for me, but I found my group of friends within 2-3 months, so it's not that difficult. You can find your group of friends very easily. When you have an assignment, don't worry. As the deadline comes closer, something will happen. You will submit and you'll probably get good grades for it too. There's no point freaking about assignment. It's literally just up to fate. It's not under your control. Like, even right now, we have an assignment due tomorrow and none of our code is working, but we're all chill. So you learn with time. To freshers watching, don't worry. Like, favors kitne zyada important hote hain tumhare liye. Like, tum kisi ke liye kuch favor kar rahe ho, ye cheez kaise tumhare life ko impact kar sakta aur net na aur kaise. Don't be impulsive in your decisions. Never be impulsive in your decisions. मुझसे अच्छा कोई नहीं बता सकता. But the main lesson is time management. Like you really need friends. Like you really need friends in your life. If you're alone, like if you are just like if you are alone sitting in your rooms, in your room, you'll understand that the value of friends. Like I never really understood the value of friends until I actually came to college. Because a lot of times when I'm in my room, I begin to feel lonely, and then I understand how much friends like really are important. Mind your own business and have fun to the fullest. लोगों के साथ कैसे एडजस्ट करना है आपको ये कॉलेज बहुत अच्छे से सिखाता है. आपको बहुत तरीके के लोग मिलेंगे, आपको सीनियर्स मिलेंगे, जूनियर्स मिलेंगे, आपको उसी के साथ PhD और MTech वाले भैया लोग भी मिलेंगे. उन लोग साथ आपको कैसे एडजस्ट करना है ये सब बातें रहती हैं जो कि बहुत कम सीखने को मिलते हैं. तो आपको बहुत लोग मिलते हैं वहाँ पर जो आपको अलग अलग बातें सिखाते हैं. क्लब्स आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सिखाती हैं. जितने क्लब्स में आप ज्वाइन करें उतना उतना आपका स्किल डेवलप होता है. तो ये सारी बातें
कॉलेज बहुत कुछ सिखाता है, रोज़ कुछ ना कुछ सिखाता है, कोर्सेज के साथ साथ ही आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत हेल्प मिलती है। प्रोफेसर के साथ पंगा मत लेना। डोंट अवॉइड योर पास्ट इन प्रेजेंट, अदरवाइज योर फ्यूचर विल बिकम योर पास्ट। आई नो थोड़ा डीप हो गया बट ठीक है, यही है। हाउ टू लिव अलोन लाइक विदाउट फैमिली। एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम फिर भी वही करेंगे। कंफर्टेबल इन योर स्किन, लाइक देयर इज नो नीड टू चेंज योरसेल्फ जस्ट बिकॉज ऑफ द रैट रेस गोइंग ऑन, और इट्स नॉट ऑलवेज कंपलसरी टू फ्लो विद अ स्ट्रीम। यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट एंड जस्ट फॉलो योर हार्ट, डोंट बी द पार्ट ऑफ द रेस गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड, बट ऑल्सो डोंट बी बिहाइंड, लाइक डोंट बी जस्ट स्पेक्टेटर ऑल द टाइम। टाइम्स यू हैव टू वर्क, यू हैव टू हसल, but only in the things which you love, not because of peer pressure. It's the time that you could interact and enlighten yourself. Zara stress nahi lena chahiye mere khayal se, aur friends ke sath enjoy karo, but padhai ko bhi dhyan do thoda. Being independent, that's something I never learned at home. Matlab college life matlab ek life ka bahut bada part hai, bas khul ke enjoy karo life, zyada pressure mat liya karo bas usme. You are not at the top of your world. You are just one person in a side. And the second lesson that I learned would probably be like, you know, how to sort out problems with friends. Like before it might have been full aggressive fighting and all, but now all I know is if you have an issue with someone, just go to them and, you know, talk to them, be really honest, and all your issues are like resolved in very beautiful and, you know, neat way, so you don't have to fight and your bond also strengthens. So it brings people closer together, talking about your issues rather than, you know, ignoring them or fighting with them about your issues with each other. So that's probably, okay, that got a little serious there. The people, jo dost log jo friend circle bana hua hai, usko bahut miss karta hu. And again, hostels, one more, hostels. My hostel room as well as my friends. जैसे मैंने कहा था, मतलब वही दोस्तों के साथ घूमना, मतलब कि शाम को काफ़ी, कभी कभार पूरा रात को उनो खेलते थे, मतलब सुबह 6 बजे उठते थे उनो खेलने के बाद, और कैंटीन पे बैठ के गप्पे मारना, अकैड ब्लॉक्स के छत के ऊपर बैठ के वो गप्पे मारना, बस सब कुछ ही मिस करता कॉलेज के बारे में। मे बी रात के 3 बजे रूम साफ करना, मे बी रौनक के रूम पर जाके गेम खेलना, मे बी वाइट ब्लॉक्स पर अकेले बैठ के कुछ भी सोचना, और वो फ्रीडम के साथ वो सब सही चीज़ें तो है ही। फ्रेंड्स एंड कॉलेज लाइफ, आई मीन दैट्स द ओनली थिंग आईड मिस। आई मीन एकेडमिक्स यू कैन जस्ट डू इट एट होम, सो व्हाट आई मिस मोस्ट अबाउट कॉलेज वुड बी वन, माय फ्रीडम। नो, आई कैन स्लीप व्हेनेवर आई वांट, वेक अप व्हेनेवर आई वांट, ईट हाउ मेनी एवर मील्स आई वांट, हाउ मेनी एवर टाइम्स इन अ डे, सो दैट्स डेफिनेटली मिसिंग। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट माय फ्रेंड्स, लाइक वी डू द क्रेजीएस्ट एंड द स्टूपिडेस्ट थिंग्स, and at the moment they seem really normal, like, you know, 3 people helping you set up a curtain, deciding it doesn't look good and taking it off immediately, and then hitting my hand on a fan and just casually telling my friends I have an emergency, or fighting over the washing machine at 3 a.m. in the night and things like that. So it's the little things that I miss about college life. Friends ke sath khelna recreation room mein kafi hum enjoy karte the, अभी उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। बाकी फिर बात करने के लिए तो गूगल मीट वगैरह काफ़ी कुछ है, लेकिन जो साथ में प्रेजेंस होती है, जो जो बिल्कुल मतलब इंटरेक्ट करते थे, वैसे वो नहीं हो पा रहा। Yeah, I miss the college because for me college wasn't the concrete and infrastructure, but it was people who were there, so I miss those people. Also, I miss the late night walks, late night talks and the other random stuff which we used to do. कॉलेज की बात करें तो कॉलेज मिस तो सभी करते हैं इस टाइम, इतने दिन घर रहने के बाद ऐसा लगता है कि अब कॉलेज ही पहुंच जाएं, कब पहुंच जाएं। वाईफाई खत्म कसम से। सो द लॉन्ग वॉक्स इन द लेट नाइट्स एंड ऑब्वियसली नेस्कैफे, लेट नाइट जैमिंग एट UDH, लाइक प्लेइंग, स्पेशली प्लेइंग, आई मिस प्लेइंग अ लॉट, एंड द मेस, स्पेशली नॉट द फूड बट द मेस। Going out on like late night walks with all the friends, I miss that a lot, like, because you can't do that here, and I have to sleep early. Yeah, and I have to sleep early at home, so the night walks, the cycle rides,
chit chat with friends in Nescafe, the movies, midnight movies with friends, class bunkings, etc. Everything. Just, hanging out with friends, chilling with everybody. I mean, everyone's open and everyone's really friendly with each other and the whole atmosphere there. Pretty much everything, and specifically my freedom because of the single rooms and stuff. And because apne campus mein there was nothing like night curfew for girls and all. So my freedom, I miss my freedom. कब कितनी जल्दी पहुंचे, कितनी जल्दी उन्हीं दोस्तों के साथ मिले, रात में बाहर जाएं, कैंटीन में खाना खाएं, मैगी खाएं या फिर कॉफ़ी. तो ये सारी बातें कॉलेज की बहुत ज़्यादा याद आती हैं, जो कि अभी घर पे नहीं हो पाती हैं, बाहर भी नहीं जा सकते. आई जस्ट मिस हैंगिंग आउट विद ऑल ऑफ यू, लाइक जैसे हम लोग रहते थे मेस के सामने या कैंटीन के सामने, वाइट ब्लॉक पे जस्ट टॉकिंग या चिलिंग जो भी है. इवनिंग वॉक कोई भी किसी के साथ भी चल दिए, और इवनिंग का जो चाय रहता था, चाय से ज्यादा जो बात होती थी चाय पे, वो रोमिंग. आई यूज्ड टू रोम अ लॉट, लाइक आई रोम्ड इन एवरी रोड ऑफ द कॉलेज एंड एवरी फ्लोर ऑफ एकेड ब्लॉक्स, सो आई मिस इट अ लॉट मैन, लाइक रोमिंग विद ऑल फ्रेंड्स. माय फ्रेंड्स, द वॉक्स वी यूज्ड टू हैव एट नाइट, आई मीन द नाइट कल्चर एस्पेशियली ऑफ आईआईटी हेड. Classes, yeah, maybe. I think those are the things I miss about the college. I miss playing. I used to play a lot in college. I used to meet a lot of people. I miss that the most. Midnight walks, staying up all night, and chatting with my friends. Nothing can match that. मुझे white blocks बहुत याद आते हैं, क्योंकि हम बहुत बकवास करते थे वहाँ बैठ के. अब बहुत खाया है, ठूसा है. वो याद आता है, और वही नाइट वॉक्स एंड ऑल सही था. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स आई मिस. आई मिस प्लेइंग बास्केटबॉल. आई मिस दोज चीज सैंडविचेस एट द कैफेटेरिया. आई मिस गॉसिपिंग विद माय फ्रेंड्स. आई मिस इरिटेटिंग देम विद माय रियली रियली वियर्ड वॉइस ओवर्स. देन आई मिस दोज ब्यूटिफुल सनसेट्स. I miss evening walks, night walks, basically I miss everything. And the thing I miss the most is these people. Yeah, the college life and these people. बड़ा बाल हो गया था तो इधर इधर साइड से पहले काटा, ठीक है, उसके बाद मेरी खराब हो गया भाई. हाँ जा जा ना, जा सकता था ना. मे बी रात के 3 बजे रूम साफ करना. मे बी रोने कमिंग और नॉट, ही वाज क्वाइट एम्बिगुअस. दे मिसिंग आउट देयर समर वेकेशन. दे वोंट बी एबल टू जॉइन द कॉलेज इन टाइम. आई रिमेंबर लाइक दिस वुमन इज समथिंग आई हैव नेवर मेट बिफोर. इन द आफ्टरनून एंड वी वर काइंड ऑफ टुगेदर द होल डे एंड At dinner, I met Mansi. नहीं भाई, शुरू करना भी देख रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा. हमारा काफी डिफिकल्ट है टॉपिक. दोस्त वगैरह सब ठीक है, उनसे ऑनलाइन वगैरह बात हो जाती है, उसका कुछ नहीं है, वाईफाई. तो अच्छा लगा मेरे को. एंड आई वाज रियली स्केयर्ड ऑफ मेरा तो मतलब उठा मैं 8-9 बजे, दोपहर को तो सोना है पक्का, फिर सुबह ये नहा. तो कॉलेज तो बहुत याद आती है और बहुत मिस करते हैं. कौन सी भाषा में बात करना है, मराठी में बात करूं? When I won, especially when I won the medal in ring title, it was fun. Yeah, that's what. ठीक है. वाईफाई है तो नहीं ना? Ring master, वो सर्कस में नाचेगी नहीं नचाएगी. Yo. आज अनुष्का शक्कर खा के आई है पक्के से. I can sense that sugar in. Sugar है. एक 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 ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट रुको, कट कट कर देना बीच में. Like roaming with all friends. Before I was not very open to people, so that I was really slow at making friends. Done. Yeah. Okay. अपने लाइफ में इतना ज़्यादा इंग्लिश में बात नहीं किया था,
so I was too nervous. So basically home is where the heart is. चल रहा है क्या? ठीक. Okay.